क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक सेट ए दिया हुआ है, तो द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 ऐसा हम एग्जांपल में क्वेश्चन कर चुके हैं, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, मतलब कि हमको एक रिलेशन आर निकालना है कौन से सेट पे, ए पे। तो हमको पता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस ए, मतलब हम जो रिलेशन बनाएंगे उसको उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस ए से आएंगे, इसलिए हमने ए क्रॉस ए पहले ही बना लिया। तो ए क्रॉस ए हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है, आपको ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जिसमें शर्त क्या है कि 1, 2 आता हो और 1, 3 भी आता हो। तो 1, 2 आना चाहिए और 1, 3 आना चाहिए। तो इसको तो हम फिक्स कर लेते हैं कि 1, 2 आता हो और 1, 3 भी आता हो। ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। बड़ा बढ़िया भाई, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक। तो आप उसको रिफ्लेक्सिव करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, यानी कि 1, 1 आता होगा, 2, 2 आता होगा और 3, 3 आता होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको 1, 2 का उल्टा, यानी कि 2, 1 जबरदस्ती इसमें ऐड करना पड़ेगा और 1, 3 का उल्टा 3, 1 हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1, 1 गया, 2, 2 गया, 3, 3 गया, 1, 2 तो पहले डाल चुके थे, 1, 2 और 2, 1, 2 का उल्टा और 1, 3 और 1, 3 का उल्टा। ठीक, ये चीज़। अब बचे आपके पास दो एलिमेंट, क्या 2, 3 एंड 3, 2। ठीक, बट अभी तो आप क्या देख रहे हो, अभी ये जो रिलेशन है आपका दिखाई पड़ रहा है जो आपको, तो ये रिलेशन क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ये क्लियरली आप दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, ये सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड इसका उल्टा 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसी तरीके से 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। असल में तो ये रिफ्लेक्सिव तो था ही और ये इसकी वजह से सिमेट्रिक भी हो गया। बहुत बढ़िया। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 3, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 3, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो ध्यान से चेक करो, ये क्या कर रहा है, ये a, b बिलोंग्स टू रिलेशन आ रहा है, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन आ रहा है, बट a, c नहीं है, मतलब 3, 2 नहीं है, बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन, है ना। चेक करो, यहाँ 3, 2 नहीं है, इसलिए क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक, तो एक रिलेशन तो हम बना पाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि जिसमें 1, 2 हो, 1, 3 हो और जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो बट जो ट्रांजिटिव ना हो। एक आ गया, एक रिलेशन तो आ गया। इन्होंने ऑप्शन दिए 1, 2, 3, 4, तो और देखते हैं और भी कोई रिलेशन बन पाता है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ दो ही एलिमेंट बचे हैं, कौन कौन से, सब कवर हुए। एक तो ये वाला बचा है 2, 3 और एक 3, 2 बचा है। ठीक है, तो अगर हम 3, 2 को इसमें डाल दें, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसमें 3, 2 को डाल दोगे, अभी आपने देखा था 3, 2 डालने से क्या जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, जो कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए 3, 2 हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक, 3, 3 भी अगर आप इसमें डाल दोगे, चलो अब आप ये चेक करना खुद, सॉरी 3, 3 कह रहा हूँ, 2, 3 अगर आप इसमें केवल डाल दोगे, ठीक है, इसमें अगर आप 2, 3 डाल दोगे तब भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, आप चेक करिएगा खुद से, इतना तो कर सकते हो, सब कुछ करा दिया, मिसले इनसे बहुत दिया। ठीक है, आप इसमें 2, 3 डालिएगा, आप नहीं डाल सकते, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप दोनों को भी नहीं डाल सकते हो एक साथ, 2, 3 और 3, 2 को भी नहीं डाल सकते हो आप इसमें, तब भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं करना है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन केवल एक ही पॉसिबल है जो इन कंडीशंस को फॉलो करता हो, तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। आप खुद करके देखिएगा, 2, 3 एक बार ऐड करके देखिएगा तब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, 3, 2 ऐड करके देखिएगा तब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, और दोनों को एक साथ ऐड करके देखिएगा, यानी कि 2, 3 और 3, 2 तब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके,